हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आपको रेडीमेड कुर्ते को, ये देखिए, ये मेरा रेडीमेड कुर्ता है जो कि मैंने डाल रखा है। इसके शोल्डर आप देख सकते हो, करीब 1 इंच एक्स्ट्रा हैं और यहाँ पर इसमें मेरे पाइपिंग भी लगी है जिसे मैं कट नहीं कर सकती। तो इस तरीके का अगर आपके पास रेडीमेड कुर्ता है जिसके शोल्डर ज़्यादा हैं और उन्हें आप कम करना चाहते हैं, तो किस तरीके से करें बिना कटिंग किए, वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना, बिना कटिंग के इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कमीज को सीधा करके रख लिया है। यहाँ पर हम देख लेंगे, मेरे शोल्डर हैं यहाँ 5 इंच है इधर, मेरे को इसे 4 इंच करना है जो कि मेरे 1 इंच एक्स्ट्रा हैं। सबसे पहले हम ऊपर से नीचे की तरफ 12 इंच पर निशान लगाएंगे। ये निशान हम दोनों साइड लगा लेंगे, दोनों शोल्डर पर 12 12 इंच, ऊपर से नीचे की तरफ 12 इंच का मैंने ये निशान लगा लिया है दोनों साइड पर। अब हम ऊपर शोल्डर पर 1.5 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। देखिए, मैंने 1.5 इंच की दूरी पर ये निशान लगा लिया है। दोनों निशान के बीच की दूरी 1.5 इंच है। अब ऊपर जो मैंने दोनों निशान लगाए हैं उन निशान को हम सीधा कर लेंगे। हमने जो नीचे 12 इंच का निशान लगाया है वहाँ तक हम दोनों निशान को सीधा निशान लगा लेंगे। ये हम दोनों साइड पर करेंगे। दोनों साइड पर मैंने निशान लगाकर दोनों निशान को सीधा कर लिया है और ऊपर से हम शोल्डर की सिलाई को इस तरीके से खोल लेंगे और ये जो निशान हमने आगे लगाए हैं सेम इसी तरीके से हम बैक पार्ट पर भी यही निशान लगाएंगे 12 इंच की दूरी तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बैक साइड पर भी वो दो निशान लगा लिए हैं 12 इंच की दूरी तक, निशान को सीधा कर लिया है। ये निशान हम कमीज के फ्रंट और बैक दोनों पार्ट पर लगाएंगे क्योंकि हमारा बैक और फ्रंट दोनों पार्ट की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है। और यहाँ मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगी, अगर आपके कमीज की हिप से भी चौड़ाई ज़्यादा है और साइड में इस तरीके से पाइपिंग लगी हुई है जैसे कि मेरे कमीज पर लगी हुई है, बट मेरे कमीज की हिप से चौड़ाई ठीक है, ज़्यादा नहीं है, तो आप ये निशान पूरे कमीज पर ऊपर से नीचे तक लगा सकते हैं। बट यहाँ पर मेरे कमीज की हिप से चौड़ाई ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं ये निशान मैंने 12 इंच तक लगाया है। अगर आप चाहो तो इसे पूरा नीचे कमीज तक लगा सकते हैं। अगर आपके हिप की चौड़ाई भी ज़्यादा है और आपके घेर की भी चौड़ाई ज़्यादा है और साइड में आपके कमीज में पाइपिंग लगी हुई है तो अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ऊपर से मैंने शोल्डर की सिलाई खोल रखी है, आप देख सकते हो। अब जो हमने ये निशान लगाया है निशान के ऊपर से फोल्ड करेंगे, निशान से पकड़ेंगे और इसे फोल्ड करेंगे और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए लगाएंगे। ये सिलाई हमने जो निशान लगाया 12 इंच तक वहीं पर हम ये सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हम एक पैर का मार्जिन रख कर लगाएंगे, लगभग 1/4 इंच। और यहाँ आखिर में हम सिलाई को पक्का कर लेंगे और सेम इसी तरीके से हम दूसरे निशान को फोल्ड करेंगे और ये दूसरी सिलाई भी हम एक पैर का मार्जिन रखकर लगा लेंगे। ये मैंने फ्रंट और बैक, बैक साइड में और ये फ्रंट साइड में, दोनों साइड में ये सिलाई लगा ली है सेम तरीके से, आप देख सकते हैं। अब जो हमने ऊपर से शोल्डर की सिलाई खोल रखी है उस सिलाई पर भी हम इस तरीके से बैक साइड में करेंगे और जहाँ से हमने ये सिलाई खोल रखी है वहाँ से हम ये सिलाई लगा लेंगे।
ये शोल्डर की मैंने सिलाई लगा ली है, आप देख सकते हो इस तरीके से ये आ गई है। इसी तरीके से मैं दूसरे शोल्डर पर भी ये सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है, अपने कमीज को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो पहले इसकी चौड़ाई कितनी ज़्यादा थी, पहले ये 5 इंच था हमारा शोल्डर, अब 4 इंच हो गया है, जो कि हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा था वो अब हमारा कम हो गया है। और यहाँ से भी देख लीजिए हमारी कमीज की चौड़ाई बहुत ज़्यादा थी, इसको भी हम मैंने इधर से कम किया है, तो ये भी हमारी कम हो गई है। ये बैक और फ्रंट दोनों साइड से मैंने किया है, हम बैक फ्रंट दोनों साइड से करेंगे तभी ये हमारा ठीक रहेगा। तो इस तरीके से मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए मैंने आपको पहनकर भी दिखाया है, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। हमारे शोल्डर भी बिल्कुल ठीक हो गए हैं और इधर से भी जो चौड़ाई ज़्यादा थी वो भी हमारी ठीक हो गई है। इस तरीके से हम अपने रेडीमेड कुर्ती को आसानी से ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर आप पहले और बाद की फ़ोटो भी देख सकते हैं किस तरीके से इसमें लुक में चेंज आ गया है। पहले जो कि बहुत ही बेकार लग रहा था, अब देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस तरीके से आप भी अपने रेडीमेड कुर्ती को आसानी से फिट कर सकते हो अपने साइज के अकॉर्डिंग। पीछे से ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए बाय।